हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। और आज की जो हमारी टॉपिक है गाइस, ये आपको है व्हाट्सएप पे जो है आईफोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा दूँ कि आईफोन का ही व्हाट्सएप है, टच आईडी फॉर व्हाट्सएप। तो अगर यहाँ पे मैं अपनी जो फिंगरप्रिंट है वो अगर यहाँ पे डालता हूँ, मैं अपनी फिंगर को जैसे इसमें टच करता हूँ गाइस, तो ये जो है लॉक खुल जाता है। तो गाइस आप पहले कंफर्म हो लो ये जो है आईफोन है या नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप कोई भी इसका सेटिंग भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगा। ये आप देख सकते गाइस, ये आईफोन का फीचर से ये आईफोन ही है गाइस। आप सेटिंग भी चेक कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो अपनी व्हाट्सअप का जो फिंगरप्रिंट लॉक है इसे मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, देन जो मैं इसे फिर से इनेबल करूँगा गाइस। तो ये जो है गाइस आपको सबसे नॉर्मल है, आपको बगल में जो सेटिंग का जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है गाइस, तो मैं अपने कर्सर पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले मैं इसे फिंगरप्रिंट को जो है डिसेबल्ड कर देता हूँ, देन जो है गाइस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसे इनेबल करना है। तो आप जो है गाइज आप देख सकते हैं, अगर अब मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूँ तो ये डायरेक्ट जो है ओपन हो जाती है गाइज। सो गाइज आप देख सकते हैं ये जो व्हाट्सअप है मेरा अब जो है डायरेक्ट ओपन हो रहा है। तो अब इसे जो है इसमें फिंगरप्रिंट लॉक कैसे ऐड करना है, कैसे इसमें सेट करना है गाइस, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप की सेटिंग। सेटिंग को देखने नीचे में जो है आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे आप चेक जहाँ मेरा कर्सर है अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है सबसे ऊपर में आपको जो है फर्स्ट में आपको प्राइवेसी देखने को मिल जाएगा, प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर देना है गाइस। और स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे आना है गाइस, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन लॉक जो कि रिक्वायर टच आईडी टू अनलॉक व्हाट्सएप। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो गाइज आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड टच आईडी, यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने को भी मिल सकता है। व्हेन इनेबल यू विल नीड टू यूज टच आईडी टू अनलॉक व्हाट्सएप, यू कैन स्टिल रिप्लाई टू मैसेज फ्रॉम नोटिफिकेशन एंड आंसर कॉल्स इफ व्हाट्सएप इज लॉक्ड। तो गाइज इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, मतलब किसे ऑन कर देता हूँ गाइज। तो आपके पास यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे उसे आप ऑन करोगे गाइज तो इमीडिएटली का मतलब है कि आप जैसे ही व्हाट्सएप से बाहर निकले फिर से अगर आप व्हाट्सएप में जाते हो तो आपको जो व्हाट्सएप की टच आईडी की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आप आफ्टर वन मिनट के सेक्ट करते हो गाइज तो जो है जैसे आप व्हाट्सएप को क्लियर कैच कर देते हो, बाहर निकल जाते हो, फिर से एक मिनट के बाद जाते हो गाइज तो वहाँ पे आपको जो है फिर आपको टच आईडी देखने को मिलेगा। एक मिनट से पहले आप जाते हैं तो टच आईडी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इमीडिएटली सेट कर दूँ। अगर मैं इंस्टाग्राम पे जो है गाइज नॉर्मली अगर टच आईडी ही सेट करनी है तो इमीडिएटली सेट करना है, वन मिनट, 15 मिनट्स, वन आवर लगा के क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से जो है आप सेट कर सकते हैं। चलिए आप जो इसे मैं यहाँ से क्लियर कैच करता हूँ और फिर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ गाइज। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर मुझे कि व्हाट्सएप की टच आईडी जो है लॉग इन करने के लिए, मतलब किस में जो है व्हाट्सएप ओपन करने के लिए हमें मुझे टच आईडी की ज़रूरत पड़ रही है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो कैसे व्हाट्सएप की टच आईडी जो है इसे इनेबल करना है। तो आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ गाइज़ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर गाइज़।